सो इस वीडियो में गाइस देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट कैटा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। गाइस देखो मैं आप लोग क्रैश कोर्स रैंक के लिए भी कैटा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, फुल मैप के लिए भी बताऊंगा और मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि आपके हिसाब से आप लोगों को कौन सा कैटा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो का जो लाइक है हम रखते हुए 5000 लाइक गाइस फटाफट करा देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो ना, तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर आप लोग के पास मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं जा रहा है ना, तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। तो ये सब जल्दी से जल्दी कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो जो फर्स्ट नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये गाइस सीएस रैंक के लिए है। गाइस देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को A124 लेना है, फिर गाइस आप लोगों को एल्वाडो लेना है, फिर गाइस आप लोगों को मोको लेना है, लास्ट में गाइस आप लोगों को सोनिया लेना है और पेड में से गाइस आप लोगों को बीस्टॉन पेड लेना है। अब ये पेड गाइस अगर आप लोग नेडर हो तब गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आप लोगों क्या करना है, फटाफट A124 का जो स्किल है उसको गाइस यूज करना है, इससे गाइस सामने वाला जो एनिमी है ना उसका गाइस मतलब स्किल ब्लॉक हो जाएगा। फिर गाइस आप लोग फटाफट ग्रेनेड फेंक के उसको मार सकते हो, जैसे गाइस देखो मैं इधर कर रहा हूं। पहले गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूं, A124 से सामने वाला जो एनिमी है उसका स्किल ब्लॉक कर रहा हूं, फिर मैं फटाफट ग्रेनेड फेंक दे रहा हूं। इससे क्या होगा, सामने वाले एनिमी को डैमेज लग जाएगा और वो कोई भी अपना जो एक्टिव स्किल है कुछ भी स्किल ही यूज नहीं कर पाएगा और मैं फटाफट उसको ग्रेनेड से मार दूंगा या फिर मैं कोई भी गन से मार सकता हूं। तो ये गाइस सीएस रैंक में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मैं तो पर्सनली यूज करता हूं। और अगर आप लोग नेडर हो तब तो गाइस आप लोगों को यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना है। और अगर आप लोग मतलब ज्यादा रश करके खेलते हो या फिर मतलब एकदम मतलब शॉटगन लेके खेलते हो, एसएमजी गन लेके खेलते हो ना, तब गाइस देखो मैं आप लोगों को दूसरा और एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूं सीएस रैंक के लिए। बट हां गाइस देखो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग ये नेडर वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो ना तो गाइस आप लोग जरूर से एल्वारो को गाइस आप लोग एलीट एल्वारो कर देना और जरूर से गाइस आप लोग बीस्टॉन पेड लेना, क्योंकि बीस्टॉन पेड बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है गाइस, आपका जो नेड है वो दूर तक जाएगा। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये गाइस मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। इसमें गाइस आप लोगों को यूज करना है ओरियन, फिर गाइस आप लोगों को जय कैरेक्टर लेना है, यार याद है ऋतिक रोशन वाला कैरेक्टर गाइस आप लोगों को लेना है, फिर गाइस आप लोगों को मिगवेल लेना है और लास्ट में गाइस आप लोगों को सोनिया लेना है और पेड में से गाइस आप लोगों को रॉकी पेड लेना है, ठीक है। और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस आप लोगों को 1v4 क्लच निकालने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। गाइस आपको पता ही ओरियन का मतलब यूज कितना ज्यादा होता है सीएस रैंक में, भाई अपडेट के पहले अच्छा था ओरियन, जब भी हम लोग यूज करते थे ना तो मतलब 5-5 में एनिमी को डैमेज लगता था, बट अभी के टाइम में 3-3 करके लेगा तो थोड़ा सा एबिलिटी को रिड्यूस कर दिया, बट कोई ना अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर से कैसे आप लोग 1v4 कर सकते हो मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस आपके पास जय कैरेक्टर है, ऋतिक रोशन वाला कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का एबिलिटी है जब भी आप लोग एक्टिव स्किल यूज करोगे या फिर कोई बंदे को आप लोग नॉक करोगे ना तो आपका जो गन है वो ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा, मतलब अगर आप लोग शॉटगन ये सब चलाते हो। गाइस आप लोग स्पेशली इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में गाइस आप लोग शॉटगन ले लेना, 2 शॉटगन हम लोग लेना, M1887 ले लेना और 1v4 क्लच आप लोग इजीली निकाल पाओगे, शॉर्ट रेंज फाइट एकदम ओपी तरीके से ले पाओगे। जब भी आप लोग एक बंदे को नॉक करोगे आपका जो 2 गोली शॉटगन है वो इंस्टेंटली रिलोड हो जाएगा, मतलब आप लोग को अलग से रिलोड करने का जो टाइम है वो गाइस नहीं लगेगा। तो एक बंदे को फटाफट नॉक करोगे आपका गन ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा, फिर से गाइस और एक बंदे को नॉक करोगे फिर से गाइस आपका गन रिलोड हो जाएगा, तो रिलोड होने में कोई भी टाइम नहीं लेगा। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सीएस रैंक में अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में खेलते हो आप लोग को बहुत ही ज्यादा काम आएगा, 1v4 क्लच निकालने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ऊपर से आपके पास सोनिया है, सोनिया का हेल्प तो आपको बताइए और मिगवेल का हेल्प से गाइस आप लोग इस कैरेक्टर को वुकोंग जैसा भी यूज कर पाओगे। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस आप लोगों को जरूर से लेना है। सो सीएस रैंक के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोग नेडिंग ये सब करते हो तब गाइस आप लोगों को पहले वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेना है, अगर गाइस आप लोग मेरी तरह शॉर्ट रेंज फाइट ज्यादातर लेते हो तब गाइस आप लोगों को ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना है। और बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग सीएस रैंक में स्नाइपर वगैरह चलाते हो तब गाइस आप लोग कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेना है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फुल मैप के लिए क्या लेना है आप लोगों को। सो गाइस देखो बीआर रैंक या फिर कस्टम अगर आप लोग खेल रहे हो ना फुल मैप कस्टम टूर्नामेंट तब गाइस आप लोगों को क्या लेना है, आप लोगों को के कैरेक्टर लेना है, फिर गाइस आप लोगों को सोनिया लेना है, फिर गाइस आप लोगों को मारो लेना है और लास्ट में गाइस आप लोगों को नायरी लेना है। ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को लेना है फुल मैप में, ये गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। गाइस के का हेल्प से आप लोग फटाफट आप लोगों को एचपी मिलेगा, ईपी भी मिलेगा और के का जो कूलडाउन टाइम है ना वो बहुत ही कम है, मतलब आप लोग जल्दी जल्दी स्किल का यूज कर पाओगे। तो अगर आप लोग जोन में फंस जाते हो या फिर गाइस अगर आप लोग इंस्टेंट एचपी चाहिए ईपी चाहिए तो फटाफट आप लोग एक्टिव स्किल का यूज करना, के बहुत ही ज्यादा काम आता है फुल मैप में, तो फुल मैप के लिए आप लोगों के लेना है। फिर गाइस मैंने आप लोगों को मारो क्यों बोला, क्योंकि गाइस देखो जो मारो कैरेक्टर है ना ये गाइस लॉन्ग रेंज में बहुत ही ज्यादा काम आता है, आपको तो पता ही है बीआर रैंक में ज्यादातर गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो, मतलब ज्यादातर आपका लॉन्ग रेंज ही फाइट होता है, बट सीएस रैंक में ऐसा नहीं होता, सीएस रैंक में ज्यादातर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट लेते हो। तो मारो गाइस आप लोग फुल मैप में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आप लोग जब भी एनिमी को डैमेज दोगे लॉन्ग रेंज में तो आपका जो डैमेज है मतलब एनिमी को जो डैमेज लगेगा वो गाइस ज्यादा आएगा, तो आपका ही फायदा है। और सोनिया का तो हेल्प तो सभी को पता है, और जो नायरी कैरेक्टर है ना ये भी बहुत ही ज्यादा ओपी है, जब भी गाइस आप लोग ग्लू वॉल लगाओगे तो गाइस कोई एनिमी अगर आपका ग्लू वॉल को डैमेज दिया तो गाइस आपको एचपी मिलेगा, ऊपर से गाइस अगर आप लोग को फटाफट एचपी चाहिए तो आप लोग खुद के ग्लू को ही डैमेज देने से गाइस आप लोग को फटाफट एचपी मिलेगा और कोई बंदा तो आपका ग्लू वॉल ही नहीं तोड़ पाएगा। भाई जब भी
भी आपके पास नायरी होगा और आप लोग ग्लू वॉल लगाओगे तो भाई कोई बंदा ग्लू वॉल ही नहीं तोड़ पाता है। मैंने बहुत टाइम देखा है यार ग्लू वॉल ही नहीं टूटता, तो ये आपका परमानेंट कवर भी हो जाएगा। तो इसलिए गाइस मैंने आप लोगों को बोला फुल मैम में आप लोगों को ये कैटा कॉम्बिनेशन लेना है, आप लोग जरूर से यूज करना, बीआर रैंक में काफी ज्यादा काम आता है, टूर्नामेंट में काफी ज्यादा काम आता है। इसके बाद वाला जो कैटा कॉम्बिनेशन है वो गाइस स्नाइपर प्लेयर के लिए, अगर आप लोग स्नाइपर चलाते हो सीएस रैंक में तब गाइस आप लोग क्लू लेना है, फिर गाइस आप लोगों को मारो लेना है, फिर गाइस आप लोगों को रैफेल लेना है, लास्ट में गाइस आप लोगों को लौड़ा लेना है, ठीक है। अब देखो क्लू का हेल्प से गाइस आप लोग फटाफट मतलब स्टार्टिंग में क्लू लगा दोगे, इससे गाइस क्या होगा मतलब सामने एनिमी का जो लोकेशन है वो गाइस आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। जैसे ही गाइस देखो मेरे को पहले ही पता चल गया दो बंदे उधर से आ रहे हैं, तो गाइस देखो मैं थोड़ा सा बैकअप आ चुका हूं। अभी गाइस देखो ये राउंड इतना ज्यादा ओपी हुआ है ना गाइस, देखो मैं आप लोगों को ये वाला जो फुल राउंड है ये गाइस दिखाऊंगा भाई कैसे मैं सिंगल एडब्ल्यूएम से कैसे गाइस देखो मैं क्लच निकाला हूं, मतलब गाइस हारते हारते गाइस देखो मैं ये राउंड जीता हूं। ऊपर से गाइस हम लोगों को कमबैक भी करना है और गाइस देखो मैं सिंगल एडब्ल्यूएम से डैमेज दे रहा हूं, ऊपर से मेरे पास बॉनफायर है तो मैं बॉनफायर भी लगा देता हूं। और आपके पास क्लू है ना तो गाइस आप लोगों को अलग से मोको लेने का कोई भी जरूरत नहीं है भाई, क्लू है तो अलग से आप लोग मोको क्यों लोगे। सो गाइस आप लोगों को क्लू गाइस स्टार्टिंग में यूज कर देना है, मतलब जब भी आपका राउंड स्टार्ट होगा तो थोड़ी देर जाने के बाद ही आप लोग क्लू का यूज कर देना, इससे गाइस आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि एनिमी कहां से आ रहा है, उस हिसाब से गाइस आप लोग डिसाइड करेंगे कि अगर एनिमी राइट से आ रहा है तो मैं राइट से एकदम कोने से जाऊंगा, उस हिसाब से गाइस आप लोग डिसाइड करके फाइट लेना है। और मारो गाइडर की एबिलिटी आप लोगों को पता ही है भाई, एडब्ल्यू में काफी ज्यादा अच्छा खासा वर्क करता है। एडब्ल्यू में गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में तो नहीं चलाओगे, ज्यादातर गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज में ही चलाओगे तो लॉन्ग रेंज में डैमेज ज्यादा आएगा। और एफएल काइटर का हेल्प से गाइस किसी बंदे को अगर आप लोग नॉक करोगे ना तो वो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, बट भाई फिर भी टाइम लगता है भाई, मैंने देखा है फिर भी गाइस टाइम लगता है एफएल में भाई, 4-5 सेकंड निकल जाता है उसमें से, अगर कोई मतलब टीममेट आके उसको रिवाइव दे दिया तो दिक्कत है। तो मैं आप लोग ऑलवेज प्रेफर करूंगा आपके पास अगर एफएल भी है फिर भी गाइस नॉक करने के बाद आप लोग जरूर से उसको फिनिश कर देना। और लास्ट में गाइस आप लोग को लौड़ा काइटर लेने की भी गाइस, जब भी आप लोग स्कोप ओपन करोगे एडब्ल्यूएम से आपका जो एक्यूरेसी है वो गाइस बढ़ जाएगा, तो गाइस आप लोग का ज्यादा जो शॉट है वो कनेक्ट होगा। और अगर आप लोग गाइस एडब्ल्यूएम चलाना नहीं आता तो गाइस देखो मैंने AWM के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर से देख लेना। AWM गाइस आप लोग एकदम अच्छी तरीके से चलाना सीख जाओगे वो वीडियो देखने के बाद। और गाइस लास्ट में अगर आप लोग AWM फुल मैम में चलाते हो ना तो गाइस आप लोगों को सेम ही हर कुछ लेना है, सेम कैटल ही लेना है, सिर्फ एक्टिव स्किल में गाइस आप लोग स्काईलाइट लगा देना, ग्लू की जगह गाइस आप लोग को एक्टिव स्किल में स्काईलाइट लगाना, इससे क्या होगा कोई एनिमी अगर ग्लू वॉल लगाया ना तो गाइस आप लोग फटाफट स्काईलाइट के हेल्प से सामने वाले जो ग्लू वॉल है उसको तोड़ सकते हो, फिर आप लोग AWM का डैमेज दे सकते हो। तो ये कैटा कॉम्बिनेशन गाइस अगर आप लोग स्नाइपर प्लेयर हो तो फुल मैम में आप लोगों को यूज करना है। और बाय द वे गाइस देखो अलग अलग सिचुएशन के नहीं, मैंने आप लोगों को बोल दिया क्या क्या कैटा कॉम्बिनेशन यूज करना है, नीडर के लिए हो गया, शॉर्ट रेंज फाइट के लिए हो गया, सीएस रैंक में स्नाइपर प्लेयर के लिए हो गया, फुल मैम में स्नाइपर प्लेयर के लिए हो गया, बीआर रैंक में क्या आप लोगों को यूज करना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बोल दिया। और गाइस देखो कल हमारे गेम में न्यू सीजन आएगा सीएस रैंक का, अगर आप लोगों को सीएस रैंक के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जिसका यूज से गाइस आप लोग फटाफट ग्रैंड मास्टर में जा पाओगे ना, अगर आप लोग उसके रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो गाइस मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना, सीएस रैंक टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मैं आप लोगों कल वो वीडियो ला दूंगा, तो गाइस मेरे को फटाफट एक बार कमेंट में बता देना। और गाइस अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना तो गाइस क्या करो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे को, गाइस जाके इंस्टाग्राम में उधर फॉलो कर लेना। और वीडियो को गाइस जरूर से लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना, और अपने हर एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोग यूएमपी से ओनली रेड नंबर्स मारना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोग एक न्यू वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में जानना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।